अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइस, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो थोड़ी स्पेशल है। आज मैं आपको अपनी साइट विज़िट करवाने वाला हूँ और ये दिखाने वाला हूँ कि आपके जो साइट पे डिफरेंट वर्क होते हैं, आप उसको किस तरह मैनेज करते हो, उसकी क्वालिटी किस तरह चेक कर रहे होते हो और किस तरह लेबर को हैंडल कर रहे होते हो। अगर आप एक साइट सुपरवाइज़र हो, साइट इंजीनियर हो, तो ये वीडियो आप लाजमी देखो। तो मैं आपको अपनी साइट दिखाने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, साइड पे कुछ डिफरेंट वर्क होते हैं। अभी देखें, मैंने यहाँ पे कॉलम की पोरिंग का काम हो रहा है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे कॉलम, पहले इस पर शटरिंग वर्क हुआ, इस पर शटरिंग लगाई गई, सॉल चेक की गई इसकी, उसके बाद इस पर पोरिंग वर्क हो रहा है, ठीक है। पोरिंग हो रही है कॉलम की। ये देखें, यहाँ पे इसने लेबर ने कॉन्क्रीट ली हैंड ट्रॉली में, अब माल लेके जाएगा और ये इसमें डंप कर देगा और तो इस तरह ये पोरिंग की जाती है साइड पर। यहाँ पे शटरिंग का वर्क हुआ है पहले, अब फिर इस पर पोरिंग हुई। वो देखें वहाँ पे, वो देखें बंदर ट्रॉली लेके जा रहा है और वो उसमें देखें उसने डंप कर दिया, ठीक है। तो इस तरह पोरिंग का काम साइड पे होता है। यहाँ पे और डिफरेंट काम चल रहे हैं, स्टील वर्क चल रहे हैं। देखें यहाँ पे कटआउट हुए हैं स्टील रिबार, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, देखें यहाँ पे एक्सकवेशन का काम चल रहा है, ठीक है। देखें एक्सीवेटर खड़ा हुआ है, डंपर खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक्सीवेशन का काम चल रहा है। ये बेसमेंट पे देखें, यहाँ पे एक्सीवेशन हो रही है। तो किस तरह आप मैनेज करते हो, हर हर वर्क पे आपकी अपनी नज़र होनी चाहिए, आप वॉचिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, कॉन्क्रीट प्लांट, यहीं पे कॉन्क्रीट कास्ट हो रही है साइड पे ही। और ये देखें, पंप के ज़रिए वहाँ पे पोरिंग हो रही है, पीछे जो मैंने आपको दिखाया था यहीं पर प्लांट लगा हुआ है साइड पर ही। तो डिफरेंट वर्क हो रहे हैं, पोरिंग हो रही है, यहाँ पे देखें आप किस तरह पोरिंग हो रही है साइड पे और एक्सीवेशन हो रही है। तो आप किस तरह मैनेज करते हो, सबसे सुबह आप जाते हो, मीटिंग करते हो, सबको एक टास्क देते हो, फिर जब शाम में होता है तो उसकी डेली साइड रिपोर्ट बनाते हो। तो इस तरह से आप डिफरेंट वर्क दिखाते हो साइड पर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये दिखाने का सिर्फ यही मकसद था ताकि आप का थोड़ा, जब आप अगर फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस नहीं आपके पास, तो आपको आइडिया होगा किस तरह साइड पे काम किया जाता है।